जी नानी भाभी तब फोड़ैया दौड़। जी क्या है ये, क्या है ये? इतने सालों से तुमने रसोड़ा संभाल लिया है तो अचानक अंदाज में इतनी सारी गड़बड़ियां क्यों है? सबने खा लिया फिर भी इतना सारा खाना क्यों बचा है? जवाब दे। नानी भाभी खाना रोज के हिसाब से ही बनाया था। तो फिर इतना कैसे बच गया? गोपी भाभी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कैसे खा सकती है, डांट डपट से इतना पेट भर चुका है कि बेचारे की भूख ही मर गई है। वैसे आश्चर्य तो मुझे भी है, कुछ दिनों से ऐसे काम कर रही है जिनका ना तो कोई मतलब ना ही उसके पास कोई जवाब। उस बच्ची ने इस घर में आते ही अपने कामों से और अपने स्वभाव से मेरा ही नहीं सबका मन जीता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर गोपी को हुआ क्या कि जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने लगी? हमारे लिए ये जानना भी तो जरूरी है। जल्दी आ डफोड़ लोई पीनी ने। क्या हुआ? मानी? जी नानी भाभी। आइंदा से गोपी से स्त्री विस्त्री मत कराया करो। सब तुम किया करो, समझी गई? नानी भाभी मैंने तो बहुत बार मना किया पर गोपी भाभी वो कहती है मैं खुद कर लूंगी। आइंदा से अगर ये ऐसा कहे तो मुझसे कहना, समझी गई डफोड़? जी ठीक है। हाथ आगे बढ़ाओ। बढ़ाओ
खोल, चल दे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ सख्त हूं? तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे मां बाप की आखिरी निशानी मैं तुमसे छीन नहीं सकती, समझ गए? राशि बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, तू चिंता मत कर तेरी बहन की। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हो गया ना सब ठीक? और एक बात गोपी बहू, समय से खाना खा लिया करो। खाना नहीं खाओगी तो शक्ति कैसे आएगी? शक्ति नहीं रहेगी तो तुम इतना बड़ा घर और परिवार कैसे संभाल पाओगी? मणि डफोड़। जी नानी भाभी। रसोई में जा और गोपी बहू के लिए थाली लगा। अभी लगाती हूँ। चल। कोकिला, मैं आज बहुत खुश। मोटा भाभी, गोपी बहू खाना खा रही है, उसे खाना खाने देते हैं। हम झूले के पास चलकर बात करते हैं। मणि। जी नानी भाभी। गोपी बहू को ठीक से खाना खिला देना। ठीक है, चलिए। कहिए भाभी, क्या कह रही थी? कोकिला, मैं बहुत खुश हूं। तुम बाहर से कितनी भी सख्त नजर आओ, दिल ही दिल में तो मैं जानती हूं कि तुम बिल्कुल मोम हो। कोकिला, मैं खुश हूं कि आखिरकार तुम गोपी को समझ गई, उसके मन की दुविधा तुमने समझी। मोटा भाभी, पहली बात, अगर मैंने गोपी को समझा नहीं होता तो आज वो मेरे घर में मेरी बहू बनकर नहीं आती, है ना? अने बीजी बात, मैंने गोपी को गोपी के माता पिता की फोटो देकर उसे खुश कर दिया, तो मैं एक बात साफ कर दूं, ये काम मैंने ना किसी के कहने पर किया है और ना ही गोपी को खुश करने के लिए किया है। मोटा भाभी, गोपी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो फोटो उसकी आखिरी निशानी थी। मोटा भाभी, मैं भी एक बेटी की मां हूं, मेरी बेटी भी पराए घर जाने वाली है, तो मैं कैसे किसी बेटी से उसकी यादें छीन सकती हूँ? अरे कोकिला, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? और रही बात गोपी की, तो वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे हमारे घर के रंग में रंग जाएगी। जानती हूं मैं। चालू अब है? कोकिला, तारी तू जाने, गोपी माटे हूं बहु खुश छू।